बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टीचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बहुत, जितना भी बहुत लगा ले वो कम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट देने से पहले आप ये एमसीक्यूज ज़रूर देख के जाइएगा, अदरवाइज़ आपको जो है वो किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ए कोड ऑफ एथिक्स इज़ ए, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, ए ऑप्शन इसका ठीक है। यानी कि आपको पता है कि कोई भी प्रोफेशन है उसमें कोई ना कोई किसी भी इदारे के जो है वो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप कह लो कि आप उसको जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, तो वो कोड ऑफ एथिक्स जब आप फॉलो नहीं करते तो कोई ना कोई आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर जो है वो है जी सेट ऑफ स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल कंडक्ट, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड मोरल हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैंग्वेज, तो मोरल का वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, सी जो है इसका आंसर वो ठीक है। मतलब वैल्यूज़ गिव राइज टू, वैल्यूज़ गिव राइज टू आइडियल्स, बी ऑप्शन ठीक है इसका। फोर है, द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द टीचर परमिट्स हिम टू, अच्छा कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं किसी भी टीचर के, वो उसको किस चीज़ की इजाज़त देते हैं? वो उसे इजाज़त देते हैं पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। इनके क्लासरूम से बाहर वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई हैव बीन सेंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ परफेक्टिंग गुड मॉरल्स इज़ द सेइंग ऑफ, तो जी ये किसकी सेइंग है? तो ये है जी हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मुझे जो है वो अच्छे इखलाक जो है वो पेश करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और वाकई ही उन्होंने ऐसा किया भी। उसके बाद ये है, द कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स शुड इंक्लूड द वैल्यूज़ ऑफ, तो कोड ऑफ एथिक्स में किसी भी टीचर के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? जस्टिस, ऑनेस्ट, ट्रूथफुलनेस, तो ये सारा कुछ होना चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 7 है, टीचिंग वुड कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, तो अच्छा मैं आंसर तो आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने ना खुद से भी जज करना है कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो टीचिंग वुड कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन वर्क, तो टीचिंग जो है वो हम किस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क में जो है वो फॉल करेंगे, तो वो है जी प्रोफेशन, ठीक है। टीचिंग जो है वो प्रोफेशन में आता है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी, अमंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन द क्लाइंट इज़, तो क्लाइंट जो है वो टीचिंग लर्निंग जो भी प्रोसेस है उसमें जो क्लाइंट है वो ऑफकोर्स स्टूडेंट को समझा जाता है, तो सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जी, द बेस्ट एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग इज द, तो 9वें का यहाँ पे क्या है जी, इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, सी ऑप्शन। रियल मेंटोरशिप इज़ क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप, अब रियल मेंटोरशिप जो है वो जाहिर है कौन करेगा, रियल मेंटोर तो वही करेगा ना, जो खुद जिसको सब कुछ आता होगा, जो खुद प्रोफेशनल होगा उस काम में, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है ऑफकोर्स। 11 है, टीचिंग इज़ ए प्रोफेशन ड्यू टू टीचर्स, टीचिंग को कहते हैं कि एक प्रोफेशन है ड्यू टू टीचर्स, किस वजह से है? तो ये है जी ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, डी ऑप्शन। 12 है, द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ ए ग्रेट रिलेशन विद, तो किसी भी जो स्टूडेंट की इमोशनल डेवलपमेंट है उसका सबसे ज़्यादा किसके साथ रिलेशन है? तो ये है जी बिल्कुल फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद एजुकेशन इन इस्लाम, 13 है एजुकेशन इन इस्लाम, अच्छा इसका यहाँ पे ना एमसीक्यूज में स्किप हो गया, लेकिन इसका जो ऑप्शन वैसे ठीक है वो है वैल्यूफुल, ठीक है, एजुकेशन इन इस्लाम इज़ वैल्यूफुल। 14 है, द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर नीडिड टू मेक टीचिंग ए ट्रू प्रोफेशन इज़, तो किसी भी जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसको अच्छा एक या ट्रू प्रोफेशन जो है वो जब हम कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर या बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझी जाती है? तो वो है जी डिसिप्लिन ऑफ इट्स ऑन मेम्बर्स, ठीक हो गया, डी ऑप्शन। टीचिंग ऑफ, नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ पीस, बी ऑप्शन। 16 है, सेकेंडरी स्कूल टीचर इज़ मोस्ट प्रिजुडियस देन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग बिकॉज ऑफ, कहते हैं सेकेंडरी स्कूल जो टीचर्स है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर से बेहतर
जो है वो फील करता है किस मामले में. तो हायर लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हायर लेवल ऑफ ट्रेनिंग, हायर पे स्किल, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑफकोर्स सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो हैं उसमें ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं. डी ऑप्शन इसका ठीक है. उसके बाद जी प्लेटो सेड अ साउंड माइंड कैन नरिश अ साउंड बॉडी. तो जी अच्छा ये प्लेटो ने तो नहीं कहा था, अ साउंड माइंड कैन नरिश अ साउंड बॉडी. तो ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है. ठीक है उसके बाद जी 18 एज कम्पेयर्ड विद द अदर प्रोफेशन द ग्रेटेस्ट लैक इन टीचिंग इज. वो कहते हैं कि अदर प्रोफेशंस की निस्बत जो सबसे कमी, बड़ी कमी या महरूमी समझी जाती है टीचिंग में, वो क्या है जी, एडुकेट सैलरी स्किल्स. बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है. ये आपको भी पता होगा, जो टीचर्स हैं उन्हें भी पता है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें जो है वो काम ज़्यादा है लेकिन सैलरी जो है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. ठीक है उसके बाद है जी अगर मैं रिसेंटली जो है वो पढ़ रही थी कि अमेरिका में जो है ना वो उनकी जो एवरेज सैलरी है टीचर की, एक टीचर की, वो $45,000 है. ठीक है और आप लोग खुद कंपेयर कर लें. एनी अगर देखा जाए तो टीचर्स में भी डिफरेंस है लेकिन वो टीचर्स जो है हमारे यहाँ पे, अब ये खैर लंबी बहस हो जाएगी इसलिए छोड़ते हैं इसे, नेक्स्ट चलते हैं. 19 है फिज़िकल हेल्थ इज़ नेसेसरी टू बिल्ड ए बैलेंस्ड. तो फिज़िकल हेल्थ जो है वो किस लिए ज़रूरी है, टू बिल्ड ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. ए ऑप्शन ठीक है. 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस क्लेम द लार्जेस्ट मेंबरशिप. तो ये है जी 20 का है जी टीचिंग. 21 है द टीचिंग प्रोफेशनल शुड ऑल्सो बी एक्सपर्ट इन. अब टीचिंग प्रोफेशनल जो है उसको किस चीज़ में जो है एक्सपर्ट होना चाहिए, तो फॉर सोशल कॉन्टैक्ट. ठीक है डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है. 22 है टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू हिज. तो ड्यूटी तो है वो है जी 22 का है जी टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी टू हिज स्टूडेंट्स. ठीक है 22 का जो है वो डी ऑप्शन ठीक है. अच्छा यहाँ पे ना एक और MCQs बन सकते हैं. टीचर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज वो होगा प्रिंसिपल. ठीक है 23 है एज टीचर वी शुड थिंक ओवर वर्क इन टर्म्स ऑफ. एज टीचर मतलब बीइंग अ टीचर, अगर हम टीचर हैं तो हमें अपने वर्क के बारे में किस तरह सोचना चाहिए. तो ये है जी डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स. अच्छा मेरे ख्याल में यहाँ पर डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स तो नहीं आना चाहिए, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आना चाहिए. ठीक है सी ऑप्शन. 24 है द फंक्शन ऑफ ए टीचर इज़ प्राइमरली दैट ऑफ, यानी कि एक प्राइमरी, वैसे तो टीचर के बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन जो मेन आप कह लो कि नंबर वन पे या प्रायोरिटी बेस पे जो है फंक्शन वो क्या हो सकता है, गाइडिंग द चिल्ड्रन प्रोग्रेस. ठीक है बी ऑप्शन ठीक है. 23 है द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए टीचर इन क्लास इज. तो वो है जी मेंबर ऑफ द ग्रुप सी ऑप्शन. इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्नड नथिंग हैज़ बीन डैश. 26 का यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर कुछ भी नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं पढ़ाया. तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है टॉट. द बेसिक फंक्शन ऑफ ए डेमोक्रेटिक टीचर. डेमोक्रेटिक टीचर का जो बेसिक फंक्शन क्या होता है जी, गाइडिंग स्टूडेंट्स होता है. ठीक है सी ऑप्शन. द रूल्स फॉर द क्लासरूम शुड बी इस्टेब्लिश्ड बाय द. क्लासरूम के जो रूल्स होते हैं वो इस्टेब्लिश किसे करने चाहिए, तो स्टूडेंट एंड टीचर इनके दोनों को मिलकर करने चाहिए. डी ऑप्शन जो है वो ठीक है. उसके बाद है जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टीचर इज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो है जी गाइड पीपल ग्रोथ ए ऑप्शन. द लीस्ट रिक्वायर्ड ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज लीस्ट रिक्वायर्ड, यानी इम्पॉर्टेंट नहीं लीस्ट, यानी कि जो बहुत ही कम आप कह लो, सबसे जो कह लो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है टीचर के लिए, तो है जी विजिटिंग होम्स ऑफ पीपल, यानी कि बच्चों के जो घर हैं वहाँ विजिट करना, तो ये टीचर की कोई इंपॉर्टेंट ड्यूटी नहीं है, बाकी है. 31 द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज. दो जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं किस वजह से, गुडविल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी सी ऑप्शन. 32 है वन शुड सेलेक्ट ए कैरियर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ए ऑप्शन. 33 है द रीज़न मोस्ट ऑफन गिवन बाय मैन फॉर सेलेक्टिंग टीचिंग प्रोफेशन. तो किसी भी जो भी इंसान है, कोई भी आदमी है, कोई भी शख्स है, अगर वो टीचिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट करता है तो उसकी रीज़न क्या है, डिज़ायर टू सर्व सोसाइटी, के सोसाइटी को जो है वो उसकी खिदमत करना चाहते हैं इसलिए टीचिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं. 34 है एज अ ग्रुप टीचर्स टेंड टू बी रिलेटिवली, एज अ ग्रुप टीचर्स टेंड टू बी रिलेटिवली कंजर्वेटिव बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है. 35 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन टीचिंग सक्सेस इज़.
अच्छा जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर, हाँ टीचिंग सक्सेस में एक सिंगल इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है वो है जी टीचर्स पर्सनैलिटी। अच्छा, ये टीचिंग टीचर प्रोफेशन से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यकीन माने ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपने बड़े ही ध्यान से ये वीडियो जो है वो देखनी है और इसके हर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने खुद से भी। उसके बाद जी वाइटल टू टीचिंग सक्सेस, तो टीचिंग सक्सेस के लिए क्या चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है जी प्लीजेंट वॉइस एंड करेक्ट स्पीच, ए ऑप्शन। 37 है द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन टीचर इज़, तो सीरियस डिफेक्ट वो है जी पुअर मेंटल हेल्थ, डी ऑप्शन। द रिलेशनशिप ऑफ टीचर विद स्टूडेंट्स शुड बी, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप वो कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली भी होना चाहिए और डिग्निफाइड भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इज्जत भी की जाए टीचर की, सिर्फ ये नहीं कि बस आप फ्रेंडली तो आप कुछ भी मुंह में आए तो बोलते जाए, ऐसे नहीं है। उसमें टीचर्स आर ट्रेंड इन, टीचर्स को किस चीज़ में ट्रेंड होना चाहिए, तो ये है जी डी ऑप्शन आ जाएगा, तमाम चीज़ों में ही होना चाहिए, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द बिगेस्ट वीकनेस इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़, तो बिगेस्ट वीकनेस क्या है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो है जी लैक ऑफ एन एक्सपीरियंसिस विद पीपल्स, यानी कि हमें ट्रेनिंग तो करवाई जाती है लेकिन स्टूडेंट्स के साथ वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता हमारा, ठीक है। जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं वो स्टूडेंट के साथ वैसा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। 41 है द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ए गुड टीचर विद प्यूपिल इज़, तो ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ए गुड टीचर विद प्यूपिल इज़, तो ये है जी 41 का है जी प्रोग्रेस ऑफ प्यूपिल्स, सी ऑप्शन, ठीक है। यानी कि अगर बच्चे की रिपोर्ट अच्छी होगी, बच्चे की प्रोग्रेस अगर हो रही है तो हम कहेंगे टीचर जो है वो भी काम अच्छा करवा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी द मोस्ट फेवरेबल फैक्टर इन टीचिंग इज़ द, मोस्ट फेवरेबल फैक्टर जो है वो टीचिंग में क्या है, वो जी सोशल वर्क एंड रिकॉग्निशन, ठीक हो गया। उसके बाद जी इन सर्विस टीचर एजुकेशन रेफर्स टू, इन सर्विस अगर टीचर होगा तो हम कहेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बी ऑप्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंस्ट्रक्शन इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंस्ट्रक्शन इज, तो इसका है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो मेरे ख्याल में है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से फिर जो है वो सारा कुछ आगे चलता है। उसके बाद जी टेलीविजन इज़ ए डिवाइस विच इज़ ऑडियो विजुअल, ठीक है, यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सी ऑप्शन जो है उसका ठीक है। उसके बाद है जी गुड टीचिंग रिक्वायर्स, गुड टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, कमांड भी होनी चाहिए, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, डी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे एजुकेशन इज़ तो है जी लर्निंग टू डू बाई डूइंग, ए ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़, तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स का जो बुनियादी जरिया आप कह सकते हो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, बी ऑप्शन। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन तो है जी सोसाइटी, सी ऑप्शन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट बी, किसी भी स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, द बेसिस फॉर कॉन्टेंट एंड क्लास एक्टिविटीज़, डी ऑप्शन। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एंड हैबिट्स, डी ऑप्शन। एम्फसिस क्लासरूम में जो है वो क्या होना चाहिए, द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी कि हर बच्चे की क्या ज़रूरत है उसको देखते हुए जो है वो क्लास में पढ़ाना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन, तो ये है जी यानी कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट, यानी कि किसी भी झगड़े को जो है उसको सॉल्व करना। मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज, यानी कि किसी भी झगड़े को जो अगर हमने रिजॉल्व करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड होने चाहिए, तमाम है, डी ऑप्शन आ जाएगा। टेकिंग ए बुक ऑफ अनदर चाइल्ड विदाउट परमिशन, किसी दूसरे बच्चे के बगैर इजाज़त अगर हम बुक ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, तो उससे ऑफकोर्स कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, ए ऑप्शन। टीचर प्लेज ए रोल इन मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एक और है ऑप्शन, तो ये तमाम आ जाएंगे, ठीक है। टीचर जो है वही तमाम क्योंकि होल पर्सनैलिटी जो है वो टीचर्स ने ही डिवेलप करनी होती है बच्चे की, तो ये तमाम डिवेलपमेंट जो है वो टीचर्स के ही उसमें आ जाएंगे। उसके बाद विच इज़ नॉट द डोमेस्टिक इशू, तो इसमें से डोमेस्टिक इशू जो है वो कौन सा नहीं है, डोमेस्टिक होता है घरेलू इशू,
तो पेरेंट्स का चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, तो क्लैशेस विद नेबर्स, अगर नेबर्स के साथ कोई लड़ाई शड़ाई हुई है तो वो डोमेस्टिक इशू में नहीं आएगा। उसके बाद है जी व्हाट इज़ टीचिंग। अच्छा जी व्हाट इज़ टीचिंग, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो टिक करेंगे, ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट डिजायर्ड डायरेक्शंस, ठीक है, ये टीचिंग का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन नो, अगर क्वेश्चन होगा ना व्हाट इज़ गोल ऑफ टीचिंग, तो आपने टिक करना है कि डिज़ायर चेंज और ब्ला ब्ला जो भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीचिंग पूछा है तो ये है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, डी ऑप्शन। उसके बाद जी व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ए टीचिंग मॉडल, तो ये है जी डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हिंड्रेंस इन अचीविंग प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर्स इज, तो ये है जी लो सैलरीज, ठीक है, डी ऑप्शन। द पॉइंट इन फेवर ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर इज, द पॉइंट, अच्छा जी द पॉइंट दी है इन सर्विस एजुकेशन, नो नो सॉरी इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद जी विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन का इसमें से कौन सी खसूसियत जो है वो नहीं है, 63 का है जी पॉलिटिकल एक्टिविटी, ठीक है, बी ऑप्शन। 64 है विच वन इज़ नॉट द राइट ऑफ ए टीचर, इसमें से कौन सा जो भी है काम वो टीचर का राइट जो है वो नहीं है, तो वो है जी प्राइवेट ट्यूशन, ए ऑप्शन। विच वन इज़ ऑड, यानी कि चारों में से कौन सा जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो बी टैक जो है वो मुख्तलिफ है, बाकी जो है एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ही सारे। इन यूनिवर्सिटीज़ द लेक्चरर्स आर रिसेंटली अपॉइंटेड इन ईपीएस, तो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर्स जो है वो 18 स्केल में अपॉइंट किए जाते हैं। पाकिस्तान में द बेसिक सैलरी फॉर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर 9वें स्केल के लिए 3,820, और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डज नॉट ऑफर द प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऑफर नहीं करती, तो वो है जी LLB, ठीक है, बाकी तीनों एजुकेशन की हैं, LLB इनकी, हाँ ठीक है। सो जी विच वन इज़ नॉट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में से कौन सा नहीं है, वो है जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बाकी तीनों जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। 78 ग्रुप ऑफ लर्न्ड पीपल द मेंबर्स ऑफ विच एग्री टू अबाइड बाय स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट वाइल वर्किंग एज, तो ये है जी प्रोफेशन, ठीक है, सी ऑप्शन। डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसका नया नाम जो कायद है, ठीक है, और पुराना नाम था एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर, तो इनका मकसद क्या है जी, ये है जी मैनेजिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सी ऑप्शन, ठीक है इसका। सो जी प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू पर्सन्स हु, प्री सर्विस ट्रेनिंग जो उन्हें दी जाती है जो कि फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड, इन सर्विस क्यों की जाती हैं, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, ए ऑप्शन। द रोल ऑफ टीचर एज प्रैक्टिशनर्स मीन, एज प्रैक्टिशनर्स रोल क्या होगा टीचर का, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्टेंट, ए ऑप्शन। द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन द पर्पस ऑफ, हाँ जी द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये है जी ऑल आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये तमाम ही है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन NEA बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक हो गया। द मेंबरशिप ऑफ NEA इन 2008 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिलियन, सी ऑप्शन। द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स वॉज फाउंडेड इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1916 में जो है वो ये बनाया गया थी। नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स NUT बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद जी एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर इज़ री नेम्ड एज, एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर का जो दोबारा नाम रखा गया था वो था जी डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, जिसको DSD भी कहा जाता है, उसका अब जो नाम है वो है कायद अकेडमी, जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है। द मेन पर्पस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट टीचर ट्रेनिंग, बी ऑप्शन। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स आर अपॉइंटेड इन VPS 9, और सीनियर एलिमेंट्री जो है वो किस क्लास को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं जी 6 से 8, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स आर अपॉइंटेड इन 16 स्केल,
The use of salary schedules came about as a result of individual bargaining, A option. In America, the salary of average teacher has been risen recently to more than $45,000, D option. ठीक है, अमेरिका में जो है वो टीचर की जो सैलरी है एवरेज वो $45,000 है. ए टीचर्स फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू, तो टीचर की जो है ये है जी, ट्रेन हिज स्टूडेंट्स प्रॉपरली. ठीक है, बी ऑप्शन. टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर कंडक्टेड बाय, डी ऑप्शन, ये तमाम ही करवाते हैं. ए गुड टीचर शुड हैव ए कमांड ओवर, गुड टीचर को किस चीज़ पे कमांड होनी चाहिए, डी ऑप्शन आ जाएगा, इन तमाम पे ही कमांड होनी चाहिए. प्रोफेशन मींस, अच्छा ये भी बड़ा ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन समझा जाता है अक्सर ही, लेकिन इसका आंसर सिंपल है, सर्विस आएगा. ठीक है, कुछ लोग इसको जॉब टिक करते हैं, जॉब नहीं है इसका, सर्विस है. इन प्लानिंग फॉर टीचिंग प्रोफेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज, अच्छा जी, इन प्लानिंग फॉर टीचिंग प्रोफेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज इंटरेस्ट. ठीक हो गया. थियरी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू प्रैक्टिस, ठीक है. उसके बाद जी इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस प्लानिंग. ठीक है, कोई भी काम है जब आपने उसको सक्सेसफुली करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी प्लानिंग. अगर हमने प्लान ही नहीं किया होगा, इवन जब आप एक बींग अ टीचर, जब आप क्लास में जाने से पहले अपने लेसन को प्लान नहीं करेंगे ना, तो आप अच्छे से टीच भी नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग जो है वो किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये थे जी टीचिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने मिस नहीं करने, आपने ये लाजमी देख के जाने हैं. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो इसलिए जो है वो आपने एक या दो नंबर जो है वो मिस नहीं करना, इसलिए यहाँ से आपने क्वेश्चन लाजमी पढ़ के जाने. ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने आरा का इजहार जरूर किया करें. इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय.